बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खरीद से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ओके होंगे। आज की वीडियो अगेन ट्रेडिंग के ऊपर, ऑक्टा एफएक्स के ऊपर, कि ये वीडियो है ऑक्टा एफएक्स में डिपॉजिट करने पे, कि हम अपने ऑक्टा एफएक्स का जो अकाउंट होता है, जो रियल अकाउंट है जिसके अंदर हम पैसे डाल के तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उस अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करते हैं लोकल बैंक के थ्रू, यहाँ से बिल्कुल ईजिली विदाउट एनी कमीशन कह लें या कोई फ़ीस, जो उसकी एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं लगती, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ ऑक्टा एफएक्स, अभी ये ऑक्टा एफएक्स की ऐप खुल गई आपके सामने आ गई, ठीक है। अब मैंने डिपॉज़िट करना है, तो डिपॉज़िट करने के लिए क्या सीन होगा, पहले मैंने थोड़ा सा किया था चेक करने के लिए, तो अब मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को तो आइडिया भी हो जाए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको विड्रा करके विड्रा की भी वीडियो बनाएंगे, विड्रा किस तरह से करते हैं। तो यहाँ ये डिपॉज़िट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये मेरा रियल जो अकाउंट है MT4 का, ये 1752-75-11, ये डिपॉज़िट पर हमने किया क्लिक, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं पाकिस्तान लोकल बैंक्स, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, मास्टर कार्ड, नेटलर, परफेक्ट मनी, स्क्रिल, वीज़ा। आप परफेक्ट मनी का अगर अकाउंट है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, स्क्रिल का है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड वगैरह, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान लोकल बैंक्स है। आप इसको क्लिक करेंगे पाकिस्तान लोकल बैंक्स। अब यहाँ पे आपने देना है भी आप डिपॉजिट कितना करना चाह रहे हैं, मिनिमम डिपॉजिट 5000 है, ठीक है। आप 5000 भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है बैंक को। अब बैंक आप अपना जो बैंक आपका अपना है, एक चीज़ ये खास ख्याल रखनी है कि आप अपने बैंक से ही करेंगे, ठीक है। आप ऐसे ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट से भी इसमें कर सकते हैं, वहाँ से भी चला जाएगा, और जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट से भी पैसे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास HBL का बैंक है तो मैं HBL के थ्रू जो है ये करूँगा। अगर कोई प्रोमो कोड वगैरह आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये आपको डिपॉज़िट बोनस देते हैं 50% हर डिपॉज़िट पे। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको 100% बोनस था, लेकिन वो अगस्त में चल रहा था, आज़ादी ऑफर थी। उसके बाद अक्सर वेबिनार्स वगैरह देखने पर भी आपको 100% जो बोनस है, वन टाइम डिपॉज़िट 100% बोनस वो मिल जाता होता है। तो 50% तो ऑलरेडी चल रहा है ना, लेकिन उसके लिए कुछ लॉट्स जो है वो ट्रेड करने पड़ते हैं। अब मैंने बैंक सेलेक्ट किया, इसके बाद ये मुझे बैंकिंग डिटेल्स देंगे जिस बैंक पे हमने भेजना है, ठीक है। ये किसी का अल्फला का बैंक आ जाता है, किसी का कोई आता है, किसी का कोई आता है, चेंज आते रहते हैं। तो मुझे उन्होंने HBL का ही असाइन किया, ये आपको वो असाइन करेंगे। तो IBN नंबर ये पूरा नीचे है, पहले बैंक नेम, ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम वाल्टन ट्रेडर्स, जो भी इनके बैंक अकाउंट्स हैं वाल्टन ट्रेडर्स के नाम से ही हैं, और अकाउंट नंबर उसका ये है, बैंक ब्रांच, आगे ये आ जाएगी IBN नंबर, फिर वो पूरा IBN नंबर जो होता है, और रिसिप्ट जो है ये रेफरेंस, ये डिलीवर, आगे इन्होंने ये नंबर लिखा है, लेकिन वहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं आ रहा होता। डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपीज़ मैंने लिखी है, ठीक है, आपके सामने। ये जो रीड दिस बिफोर मेकिंग डिपॉजिट, इसको आप पढ़ लें तो वो यही बात कर रहे हैं कि स्पीड योर रिक्वेस्ट अप टू डू सो फिल इन ओनली डिलीवर एज पेमेंट कमेंट। अगर पेमेंट कमेंट आपने ऐड करना है तो आप यही जो है ना उसको ऐड करेंगे। यूज़ योर ओन बैंक अकाउंट, पेमेंट्स फ्रॉम अनदर पर्सनस बैंक अकाउंट विल बी डिक्लाइंड, ठीक है। अगर आप किसी और की तरफ से करेंगे, किसी और के बैंक से, तो वो डिक्लाइन हो जाएगी। आपके अपने अकाउंट से जो बैंक अकाउंट भी आपके नाम पे है, या अगर इजी पैसा है, जैज़ कैश है, आपके नाम पे हो, और उसके बाद आपने जो इधर अकाउंट बनाया रियल, उधर भी आपकी अपनी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, आपका नेम, रियल नेम, हर चीज़ जेन्युइन आनी चाहिए। आईडी कार्ड आप यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए देते होते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा, प्लीज़ मेक अ ट्रांसफ़र टू आवर बैंक अकाउंट फर्स्ट बिफोर क्रिएटिंग अ डिपॉजिट रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अब डिपॉजिट रिक्वेस्ट क्या है, यहाँ पे ये, ठीक है, सबमिट रिक्वेस्ट। तो आपने करना क्या है, आपने बैंक अकाउंट में जाके वहाँ से पैसे भेजने, पैसे भेज के यहाँ पे आके अपना सेंडर्स बैंक अकाउंट नंबर लिख देना, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद जो आपने पेमेंट भेजी है उसका जो प्रूफ है वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर लेने दे बैंक, और मेरा मोबाइल वैसे HBL ऐप वाले नहीं लेने देते, तो आप उसको शेयर करके व्हाट्सएप पे भेज के पिक्चर आ जाएगी, तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको यहीं छोड़ूंगा, मैं चला जाऊँगा बैंक में अपने एप्लीकेशन के अंदर HBL की, मैं आपको पूरा डेमो करके दिखाने वाला हूँ, तो काइंडली स्ट्रिक्ट रहिए, साथ साथ देखते रहिए, क्योंकि अगर पूरा देखेंगे तो समझ आएगी भी किस तरह से डिपॉजिट करना, ये ना हो कि कोई पंगा हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी वो, क्योंकि मैंने पहले ट्रांजैक्शन की है, तो मेरे पास ऑलरेडी जो बेनिफिशियरी एडेड है, ठीक है, सेंड मनी, सेंड मनी पे जाके मैंने क्या किया, यहाँ पे वाल्टन ट्रेडर्स ये आपके सामने आ गया, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा अगर उधर, सॉरी, वो मैंने यही है वाल्टन ट्रेडर्स है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पेमेंट लिखी 10,000 रुपीज़, पर्पज़ ऑफ पेमेंट इसको मैं अदर्स कर दूँगा, ठीक है। अदर्स करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने देना इसको पासवर्ड अपना ट्रांजैक्शन का,
ठीक है, और ट्रांजैक्शन का पासवर्ड देने के बाद मैंने कर दिया सेंड। अब आपके सामने पेमेंट जो है ये मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। पेमेंट ट्रांसफ़र होगी, यहाँ मुझे स्क्रीनशॉट नहीं लेने देगा, तो मैं इसका सिंपल सा तरीका करूँगा कि मैं इसको सेव भी कर दिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने शेयर के ऑप्शन पर दबा के मैं अपने व्हाट्सएप पर दूसरे पर भेज दूँगा। व्हाट्सएप पर भेजने के बाद जो है पिक्चर जो सेव हो जाएगी, तो सेव करने के बाद हम उसको है इधर जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ये मेरे दूसरे नंबर पे आ गई व्हाट्सएप, और ये व्हाट्सएप पे मैंने पिक्चर जो है सेंड कर दी, ठीक है। सेंड करने के बाद ये पिक्चर आ गई यहाँ पे, ये खुल गई, ठीक है। अब हम सिंपल वापस जाएंगे अपने किसके अंदर, ऑक्टाएफएक्स के अंदर। यहाँ पे सेंडर्स बैंक अकाउंट नंबर 02617900003, डन। अपलोड द प्रूफ फाइल्स, क्योंकि हमारे पास फाइल्स में गैलरी में पड़ी है, हम यहाँ से डायरेक्ट अगर कहें तो गैलरी खोल लेंगे, या हम वैसे रिसेंट भी खोल सकते हैं, या इमेजेस को हम सेलेक्ट करेंगे तो आई थिंक वो टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास इमेज आ गई, ये मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद मैंने करना है सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है। जब हम सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद ये आपके पास आ गया ऑप्शन 10,000 रुपी का डिपॉजिट इन प्रोग्रेस, वी नाउ रिव्यू योर डिपॉजिट रिक्वेस्ट, विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट विद इन वन टू थ्री आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे रिक्वेस्ट आर क्विड ऑन मंडे मॉर्निंग। वो ये बात है कि 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, वैसे जो पेमेंट आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाती है मंडे से फ्राइडे के अंदर अंदर, यानी कि सोमवार से लेके जुमे तक, और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, क्योंकि अगर आप हफ्ते इतवार को करते हैं तो अगर तब पेमेंट नहीं आएगी तो परेशान नहीं होना, वो आपकी मंडे मॉर्निंग को जो है वो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसको आप कर दें गॉट इट, ठीक है। और यहाँ से हम चले जाते हैं वापस अपना कह लें अकाउंट पर। जैसे मैंने पहले बताया था वेरिफिकेशन के लिए, ये वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है कि वेरिफिकेशन जो है वो आपकी ओके है कि नहीं। कॉन्टेस्ट अकाउंट भी अगर आपको बनाना चाहें तो कॉन्टेस्ट अकाउंट आप बना सकते हैं। मैंने पिक्चर वगैरह लगाई हुई है आपके सामने, मैंने फेसबुक कनेक्ट किया, मैंने गूगल कनेक्ट किया है, यानी कि प्रॉपर तरीक़ेकार से जो है आईडी बनाई। अगर आप प्रॉपर तरीक़ेकार से ही आईडी बनाते हैं तभी आपको फ़ायदा होता है। इसके बाद जो रेफरल का सिस्टम होता है वो तकरीबन सब लोग जानते ही हैं, रेफरल लिंक्स जो हैं यहाँ पे, आप अपना ये लिंक जो है ये शेयर कर सकते हैं रेफरल का, और दोस्तों को ज्वाइन करवा सकते हैं। इस पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट की रेशो जो है उनके लॉट्स में से जो कमीशन होता है वो आपको भी मिलेगा, यानी कि जब अगला बंदा ट्रेड करेगा। दूसरा बोनसेज होते हैं, ये मैंने आपको जो पहले भी बताया कि जो बोनस ये 50% दे रहे हैं, ये बोनस और ऑन ईच डिपॉजिट, ठीक है, हर डिपॉजिट के ऊपर। वो कहते हैं ओपन एन अकाउंट, चूज एन अकाउंट टाइप दैट सूट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल, डिपॉजिट टू योर अकाउंट, चूज फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट ऑप्शन, जिस भी पेमेंट ऑप्शन के थ्रू आप डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, इंक्रीज योर डिपॉजिट बाय हाफ विद आर बोनस। डिपॉजिट आधा आप यानी कि बढ़ा सकते हैं, बढ़ा क्या सकते हैं, वो आपकी इक्विटी में जो है ऐड हो जाएगा। ट्रेड मोर एंड गेट मोर प्रॉफिट विद आर बोनस, यू कैन ओपन ट्रेड विद बिगर वॉल्यूम एंड गेट मोर प्रॉफिट। जाहिर सी बात है जब हमारे पास इक्विटी ज़्यादा है हम बड़ी डील भी लगा सकते हैं, ईजिली लगा सकते हैं, तो उसमें प्रॉफिट की रेशो भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे हम बड़ी डील लगाएंगे उस तरह से प्रॉफिट ज़्यादा जो है वो आने के चांसेज होंगे। विदड्रा बोनस फंड्स, जस्ट कीप ट्रेडिंग एंड गेट योर बोनस फंड्स अवेलेबल फॉर विदड्रा। अब ये विदड्रॉल के लिए कैसे होते हैं, इन्होंने दी होती है लिमिट दी होती है, ठीक है, कि आपने अगर $5,000 करवाया, सॉरी ₹5,000 करवाया, $30 करवाया और उसका 15 इन्होंने आपको एज अ बोनस दे दिया $15, ठीक है, आपकी इक्विटी में शो हो जाएंगे। उसके लिए आई थिंक आपको तकरीबन 5.5 लॉट्स जो हैं वो ट्रेड करनी पड़ती हैं। अगर आप सक्सेसफुली ट्रेड करते हैं और आपका बोनस कैंसिल नहीं होता, यानी कि आपका बिल्कुल वॉश आउट नहीं होगा, बैलेंस खड़ा है, देन आपको वो जो $15 आए थे बोनस के इक्विटी में वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएंगे, और आप इजीली जो वो बैलेंस फिर विड्रा भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पैसे करवाएंगे तो उसी तरह से हिसाब से आपको लॉट्स जो हैं ज़्यादा ट्रेड करनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप इनकी ट्रेड की लिमिट पूरी कर जाएंगे उसी बैलेंस और बोनस के साथ, तब आपका वो जो बोनस है वो आपको विड्रा के लिए भी निकल सकता है, आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा, आप उसको ईजिली जो है विड्रा भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर चैनल पे नया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, जितनी मेरे से हो सकेगा मैं बनाता हूँ वीडियोस, कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।